तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे कमरे में चली आई? Just get out. Shut up, auntie. And अब मैं जो बात कह रहा हूँ उसको जान से सुनो. तुम्हारी ये हिम्मत? Yes, auntie. मेरा इतना हिम्मत. वैसे हिम्मत तो आपने भी बहुत किया था जब आपने लाजवंती का साथ पंडित वाला ड्रामा किया था. उसका मैरिज उदय का साथ तोड़ने के लिए. आंटी मैं ये भी जानता है कि राधिका को इस घर में आप ही लेकर आए हैं. टेल मी आंटी इफ आई एम रॉन्ग, कितना लोगों का लाइफ से आप खेलेगा आंटी? उमा का बारे में भी आपको पता था, उमा को भी आपने यूज किया. स्टॉप इट लीजा. नो आंटी, आज मैं चुप नहीं रहेगा. आई शो द मिरर टू यू. आंटी आपने तो लाजवंती को उदय का लाइफ से बहुत पहले ही निकाल दिया होता. अगर मेरा कुछ सच नहीं पता चलता इनमें आपका जो वो चाबीज लाजवंती को नहीं देता तो शेम ऑन यू आंटी. शट अप लीजा. यू जस्ट शट अप आंटी. मैं आपको बस एक बात बोलने आया है, अगर आपने लाजवंती और उदय को दूर करने का कोशिश स्टॉप नहीं किया तो आंटी मैं आपका पूरा सीक्रेट पूरा फैमिली को बता देगा. वो पंडित वाला नाटक, चाबीज वाला ड्रामा और उमा का रिपोर्ट भी आप ही ने चेंज किया था ना? आंटी बहुत हो गया आपका ड्रामा, बंद करो अब ये नाटक आप. ओ, तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? स्टुपिड गर्ल, मैंने तो तुम्हारी ऐसी हालत कर दी है कि चाहे फिर तुम कितना चीखो या चिल्लाओ तुम्हारी किसी भी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, चाहे फिर वो बात सच क्यों ना. और तुम्हारे बाद लाजवंती भी बहुत जल्द इस घर से बाहर जाने वाली है, इसलिए तुम दोनों अभी इस घर में दिन गिनना शुरू कर दो. Do you remember, आंटी? पहले भी आप लाजवंती को इस घर से निकालने के लिए बहुत कोशिश किया था. हाँ, सिर्फ इस घर से ही नहीं, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे बेटे उदय की जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकल जाए, लेकिन हमेशा तुम बीच में आई. मेरा हर प्लान तुम्हारे वजह से बिगड़ता गया, इसलिए मैंने उमा का इस्तेमाल करके तुम्हारी भी औकात दिखा दी और तुम्हारे बाद लाजवंती को भी मजबूर कर दिया कि वो इस घर से बाहर निकल जाए. क्या कर पाई तो? तुम तब भी कुछ कर नहीं पाई और अब भी कुछ नहीं कर पाओगी. It means, आप उमा का प्रेगनेंसी के बारे में जानता था? आई एम नॉट एन NRI. मैं एक हिंदुस्तानी औरत हूं और हिंदुस्तानी औरतों को ये बात जल्द समझ में आती है. वैसे भी ये वक्त बातों का नहीं है लीजा, उमा की तो शादी हो चुकी है और वो इस घर से जा चुकी है. अब भलाई तुम दोनों की इसी में है कि तुम दोनों भी इस घर से जल्दी चले जाओ. आंटी मैं एंड लाजवंती हम दोनों ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगा. एंड यू
अगर आपने राधिका को इस घर से वापस नहीं भेजा और मेरा एन लाजवंत जी का बारे में पूरा फैमिली का डाउट क्लियर नहीं किया, तो मैं लीजा सिंह पूरा फैमिली का सामने आपका पूरा सच बता देगा। अभय, उधर मैंने जो तुमसे कहा उसका उसका बुरा मत मानना। मैंने वो इसलिए कहा क्योंकि मुझे लगा कि शायद तुम राधिका को पसंद करते हो। इसलिए पसंद करता हूँ अभय, लेकिन सिर्फ एक दोस्त की तरह। इससे ज्यादा मैंने कभी एक बात बता अभय, अगर लीजा तेरे सामने हो तो तू किसी और लड़की के बारे में सोच सकता है। लीजा की बात अलग है उदय। लीजा ने मुझे धोखा दिया, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा उदय, कभी नहीं। राधिका एक अच्छी लड़की है, वो तेरा बहुत ध्यान रखती है। She really cares for you, और वो हमेशा तुझे खुश देखना चाहती है। मेरी बात मानो दे, अपने अतीत को अतीत में ही रहने दे, राधिका के साथ एक नई शुरुआत कर। अब तुम्हारे बाद लाजवंती भी बहुत जल्द इस घर से बाहर जाने वाली है, इसलिए तुम दोनों अभी इस घर में दिन गिनना शुरू कर दो। मैं चाहती हूं कि वो मेरे बेटे उदय की जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकल जाए। मैं जिससे भी प्यार करती हूं, जिनकी भी इज्जत करती हूं, आप उन्हें मुझसे दूर क्यों कर देती है माँ? पहले तो आपने मेरे पापा जी को मुझसे दूर कर दिया, फिर उदय जी मुझसे दूर चले गए, और अब मम्मी जी भी। मैंने उन्हें अपनी सगी माँ की जगह माना, फिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया माँ? मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। मेरा क्या कसूर है बताइए माँ, कि मेरा क्या कसूर है? क्या अनपढ़ होना पाप है? बताइए मेरा क्या कसूर है? मेरे सवालों का जवाब दीजिए माँ, जवाब दीजिए। आज तक कभी भी मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। मुझे बताइए। लाजवंती, लीजा जी, मैं आपकी भी गुनहगार हूं। मैंने आपको कई बार गलत समझा, आपको पता है, मुझे पता ही नहीं चला कि आप जो कुछ भी कर रही हैं वो मेरे ही भले के लिए कर रही हैं। इसलिए मुझे माफ कर दीजिए, कहीं जाते जाते
मेरे दिल पर कोई बोझ ना रह जाए। लाजवंती, ये तुम क्या बोल रहा है? जाते जाते मींस हालिसा जी, अब मुझसे और सहन नहीं होता। मैं बहुत छोटी जगह से हूँ लीसा जी, और शायद इतना बड़ा घर भी मैंने पहले कभी नहीं देखा होगा। लेकिन मेरा यकीन मानिए, मेरा जो गांव है ना, वहां भले ही लोगों के घर बड़े बड़े ना होते हो, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा होता है। जिस दिल में एक दूसरे के लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार ही होता है। यहाँ की तरफ एक दूसरे के लिए नफरत नहीं होती। नहीं लीसा जी, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। ये बड़े लोगों की इस बड़ी दुनिया से मैं बहुत दूर चली जाना चाहती हूँ। I'm sorry लाजवंती, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ, पर तुम ये क्यों नहीं सोचता कि तुमको सच का पता चल गया? लाजवंती, एक बार तुम्ही ने मेरे से कहा था कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। Let's see, इसमें क्या अच्छा छुपा है? दस जीजू, आपने घर में ही ऑफिस खोल लिया है? अच्छा एक बात बताओ, जब आदमी घर में ऑफिस बना सकता है तो ऑफिस में घर क्यों नहीं बना सकता? प्लीज एक्सप्लेन। हाय राम, मैंने कुछ गलत कहा क्या जीजू? जीजू, लेकिन एक बात बताओ ना, आप क्यों घर को ऑफिस बनाने पे तुले हुए हैं? हाँ इतना सीरियस? बाप रे बाप। जीजू मुस्कुराओ ना जीजू। आहा, क्या आर्टिफिशियल स्माइल है बाय गॉड। जीजू प्लीज इस तरह आर्टिफिशियल मत हंसो। मुझे पता है कब आप खुल के हंसते हो, कब आप रियल हंसते हो और कब आर्टिफिशियल हंसते हो। हाँ ऐसी कोई बात नहीं है जैक्स, अब हंसने और मुस्कुराने का दिल नहीं करता। हाय क्यों जीजू? मुझे पता है बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन ये मतलब थोड़ी है कि आप बूढ़े हो गए हैं। आप क्या बूढ़े हो गए हैं जीजू? ऐसी बात नहीं है जैक्स, अब तुमसे क्या छिपाना। तुम्हारी दी ने कभी आज तक मुझे एक पति का सम्मान ही नहीं दिया, उल्टा सबके सामने मेरा इंसल्ट करते रहती। मुझे ये बातें बहुत अखरती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं उसकी बातों का जवाब नहीं दे सकता हूं, अगर मैं चुप रहता हूं तो सिर्फ अपने बच्चों की खातिर और इस घर में कोई अशांति ना हो इस वजह से। ओफो जीजू, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं हूं ना, मैं दी से खुद पर्सनली बात करूंगी, ठीक है? क्या हो रहा है जैक्स? कुछ नहीं हो रहा दी, मैंने तुझसे बात करने आई थी, लेकिन तू थी नहीं इसलिए जीजू से बात करने लग गई। जीजू भी ना उदय को लेके बहुत परेशान है, बहुत फिकर शिकर कर रहे हैं उसके बारे में। अच्छा, लेकिन अब फिकर करके क्या फायदा, जब करनी थी तब तो की नहीं, तब तो अपने बड़े भाई की बातों में आ गए, मेरी बेटे की आधी जिंदगी खराब कर दी। देख दी, जीजू कह रहे हैं कि उनके बेटे। जैक्स प्लीज, वैसे मैं काफी परेशान, अब प्लीज ये बाप बेटे की प्रेम कहानी मत सुनाना मुझे। एक्सक्यूज मी। अरे
जीजू। दीदी अब तो जीजू भी नहीं है, अब तो बता तेरा मूड क्यों खराब है? वो दो टक्के की लड़की की हिम्मत तो देख जैक्स। लीजा ने मुझे धमकी दी है कि वो मुझे एक्सपोज करेगी, रेखा को एक्सपोज करेगी। ओफो दी, तू भी किसकी बातों से घबरा रही है? लीजा की बातों से, जो खुद सबके सामने एक्सपोज हो चुकी है वो तुझे क्या एक्सपोज करेगी? करेक्ट। यू डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। ओके मैंने उन्हें हमेशा अपनी माँ समझा। लाजवंती, अगर तुम मेरा बात पर पहले ट्रस्ट कर लेता तो तुम्हारा मैरिज बच सकता था। शायद मेरे नसीब में यही सब लिखा था लीजा जी। अब पुरानी बातें याद करके क्या फायदा, मैंने तो अपना सब कुछ खो दिया है, कुछ भी नहीं बचा। नो लाजवंती, ऐसे हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। अगर तुम सच है तो तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। एंड यू नो, गॉड भी उसका हेल्प करता है जो आगे बढ़ता है। प्रॉमिस मी, तुम गॉड का आगे मेरा से वादा करो कि तुम कभी मेरा को अकेले नहीं छोड़ेगा। हम साथ साथ हैं और ऑलवेज साथ साथ रहेगा। चिंता भी घन विनाशिनी कमलासनी सकत विसहति हंस वाहिनी माता देहु सुमत। चिंता भी घन विनाशिनी कमलासनी सकत विसहति हंस वाहिनी माता देहु सुमत। चिंता